स्वागत करती हूँ आप ही के अपने शो में जिसका नाम है लव विद एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, प्यार एक ऐसी चीज़ है जो सोच विचार नहीं, व्यवहार देखता है, क्योंकि प्यार दिमाग से नहीं, दिल से होता है। लेकिन कई बार दिल में बसे प्यार को दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता। तो आखिर ये दिल और दिमाग की कश्मकश को कैसे सॉल्व किया जाए और इसमें क्या किया जाए, क्या एस्ट्रोलॉजी इसमें हमारी कोई मदद कर सकती है, ये आज हम जानेंगे इसी शो में। और इधर हमारी मदद करेंगे फेमस लव एनालिस्ट एंड रेनाउंड लव एस्ट्रोलॉजर आचार्य सतीश जी। तो चलिए बिना देर करे उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। दोस्तों, अगर आपके मन में अपनी लव लाइफ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं आचार्य जी से, तो संकोच बिल्कुल मत करिए। बस फटाफट फ़ोन उठाइए और इन नंबर्स पे कॉल करिए जो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आचार्य जी, एक बात हम जानना चाहते हैं, जैसे कोई किसी से प्यार करता है अगर, और वो ये जानना चाहता है क्या वो भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं, लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं है, जानने की हिम्मत नहीं है, तो क्या एस्ट्रोलॉजी की इसमें मदद ली जा सकती है? सबसे पहले शॉर्टकट बोलें तो हाँ, की जा सकती है। अच्छा। क्योंकि ज्योतिष आपको हर एक चीज पर, हर एक जगह पर, जहाँ पर भी प्रकाश की आवश्यकता है, वेद चक्षु क्लेदम स्मृतम ज्योतिषम श्रेष्ठता चांग मध्योत तेनोच्यते संयतो पीतर ही कर्ण नाशात भी चक्षुषांगे नहीनो न किंचित करह। जहाँ पर भी अंधेरा है वहाँ प्रकाश चलाया जा सकता है। ज्योतिष अपने आप में एक प्रकाश है। ज्योतिष, ज्योति है ना, ज्योति से क्या निकलता है, प्रकाश। जहाँ पर भी अंधकार है, जहाँ पर भी ऐसी आवश्यकता लगती है कि जहाँ पर आपको लगता है कि हमें गाइडलाइन की आवश्यकता है, या आपको लगता है मार्गदर्शन की आवश्यकता है, या कुछ भी अमुख चीज़ जानने की आवश्यकता है, वो चाहे भले ही प्यार की क्यों ना हो, कि सामने वाला प्यार करता भी है या नहीं, कितना ही नहीं करता है या नहीं करता, कितना करता होगा, किस आधार पर करता होगा। जैसे आप हमारी वेबसाइट पर जाएं तो आप परसेंटेज वाइज देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर जाएं, वहाँ आप दोनों का नाम डालें, वहाँ आप परसेंटेज में देख सकते हैं कि दोनों को मिला के कितना परसेंट लव है। अरे वाह, लव परसेंटेज है, लव परसेंटेज है। तो एक्चुअली इन पर हमने बहुत वर्क किया है, बहुत काम किया है। कितना करता है या नहीं करता है, सामने वाले के मन में उतनी ही फीलिंग है, उतनी ही आवश्यक, मतलब हमारे लिए आदर सम्मान है, ये सब कुछ जाना जा सकता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स खुश हो गए होंगे मन ही मन कि अगर वो ऐसे किसी से नहीं पता लगा सकते तो कम से कम एस्ट्रोलॉजी की तो मदद ली जा सकती है। एकदम मदद ली जा सकती है और सहायता लेकर के उसके मन में प्यार जताया भी जा सकता है, प्यार उत्पन्न किया जा सकता है, प्यार बनाया जा सकता है। ये सारी की सारी संसाधन है, सब करा जा सकता है। आचार्य जी, हमारे कॉलर्स लगातार कॉल करना शुरू कर दिए हैं और आपसे बात करने के लिए बेसब्र हैं। देखिए अभी किसके मन में किसके लिए प्यार जगाना बिल्कुल है। स्वागत है, बिल्कुल स्वागत है। हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू लव विद एस्ट्रोलॉजी। आपका नाम? मेरा नाम कोमलिका रोटी है। कहाँ से बोल रही हैं आप? से। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आचार्य जी से बात करें। हेलो हेलो, हाँ जी, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। 9 जून। हाँ हाँ, 1954। ठीक है, टाइम बता दीजिए। टाइम है 1:45 दिन में। बिल्कुल ठीक है। कहाँ जन्म हुआ? गुवाहाटी पोर्टन बाजार। सवाल कीजिए। सवाल है, मेरा डिवोर्स हुआ है 25 साल से। मैं ससुराल में जाना चाहती हूँ फिर से दोबारा। तो आपका आपका डिवोर्स हो चुका है? हाँ, 25 साल हुआ है। ठीक है। हाँ, आपके पति से आपकी बातचीत होती है अभी? हस्बैंड अस्वस्थ है, बहुत अस्वस्थ है। हस्बैंड से आपकी बातचीत हो रही है अभी? हुआ नहीं है। डिवोर्स के बाद, तलाक के बाद आपका उनका वार्तालाप चल रहा है या नहीं? नहीं। देखिए, आपकी अपनी कुंडली में, आपके अपने मैके में ऑलमोस्ट आपके सारे भाई बहनों में दाम्पतिक दोष दिखता है। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। एकदम ठीक ही बोलने का काम होता है, तभी तो आपका थैंक यू भी आएगा, ये भी समझिए। और इस बात को नोट करके रखिए कि आपका जीवन बहुत बेहतर होने वाला है। ये आपके अपने जीवन की बहुत बड़ी विडंबना है कि आपका जिस परिवार में जन्म हुआ उस परिवार में वंशावली प्रभावित है। छठा हाउस, 11वां हाउस और 3rd हाउस, ये तीनों के तीनों घर प्रभावित हैं, और जिसकी वजह से आपके अपने सारे भाई बहनों के जीवन में ये कुचक्र दिखाई पड़ता है, ये अव्यवस्था दिखाई पड़ती है,
और हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने सोची, रिपैच किया जा सकता है, रिस्टार्ट किया जा सकता है, फिर से उस संबंध को बनाया जा सकता है, क्योंकि आपका सौभाग्य है कि इतने सालों के पश्चात भी आपके पति अभी भी किसी दूसरे के कॉन्टेक्ट में नहीं है, वो आज भी रिक्तता है वहां, उस रिक्तता को आपके द्वारा पूर्ण किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप एक जमदग्नि कवच का धारण करें। ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही केसेस के लिए होता है, उसे आप धारण करें। दूसरा, एक जो और महत्वपूर्ण कार्य है कि आप 101 कलश लें, चाहे छोटे बड़े जिस भी आप आधार पर ले सकती हो, 101 घड़ों में थोड़ा थोड़ा दूध डालना है और एक एक मुट्ठी चावल डालना है, एक एक सिक्का डालना है, और कोई भी फल जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो उसे डाल करके अपने सर के ऊपर स्पर्श करा करा के जल प्रवाहित करना है। ऐसा करने से वो दोष समाप्त हो जाएगा और आपके जीवन में वो सुव्यवस्थाएँ प्रारंभ होंगी जिससे आपका जीवन ठीक होना प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि ये बड़ी विडंबना है, इसमें इससे ज़्यादा सहजता से ठीक करना थोड़ा मुश्किल काम है। ये उपाय करिए, आपको बहुत आनंद आएगा, आपका जीवन सुखानुभूति में एहसास करेगा। ठीक है सर जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए, थैंक यू। व्यूअर्स, दोस्तों, अगर आपके मन में भी कोई सवाल है अपनी लव लाइफ से रिलेटेड, अगर आप अपने आप को बहुत कंफ्यूज्ड, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लाइफ में जीता हुआ महसूस कर रहे हैं, तो बस फ़ोन उठाइए, इन नंबर्स पे कॉल करिए जो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आचार्य जी आपकी मदद ज़रूर करेंगे। आचार्य जी, जैसे ये मालूम हो रहा था कि ये ऑलरेडी अब डिवोर्स तो ले चुकी हैं, तो इसके बाद नॉर्मली इंसान डिवोर्स की कगार तक ना पहुंचे तब आपको संपर्क करता है, ये डिवोर्स लेने के बाद अब उनको क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं वो लाइफ से? देखिए, एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपका जो होप है वो किस आधार तक रुका रहेगा, किस विषमताओं के पश्चात भी आप होपफुल रहते हैं, इतने सालों के पश्चात भी आपके मन में ये होप तो है, और इस मंच पर अपनी प्रॉब्लम साझा करने की जो हिम्मत बनी इनमें, या हो सकता है इस मंच के वजह से वो अंकुरित हुआ बीज कि मुझे अभी भी साधन मिल सकता है, मुझे फिर से वो सुख का अनुभव प्राप्त हो सकता है, हम फिर से अपने जीवन में वो किलकारियों को महसूस कर सकते हैं, और उस अनुभव को जिसे हमने वर्षों पहले हम विस्मृत कर चुके थे उसे फिर से ले सकते हैं। तो साहब, सबसे पहले तो साधुवाद, धन्यवाद कि हम इस मंच पर ये साधन दे रहे हैं, और उनका साधुवाद धन्यवाद जो इस मंच को साझा कर रहे हैं जी। और डबल धन्यवाद उनका जिनकी आदत हो चुकी है थैंक यू करने की, धन्यवाद करने की, ताकि लोगों को प्रेरणा मिल सके। और वो जो लोग थैंक यू कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे इन सब व्यूअर्स को, सबको एक उम्मीद की किरण दिखा रहे हैं कि आपको जुड़ना ही है एकदम, क्योंकि अब हम लोग उस परिस्थिति में नहीं है जी। आज हमारे पास वो कंडीशन नहीं है कि हमें ये कहने की जरूरत है कि नहीं जी हम ये काम कर रहे हैं, क्योंकि आज सबको ये पता है कि वास्तविकता है ये। आज हमारे पास रिकॉल बहुत है, जिनके काम हो गए हैं वो दूसरों को बता रहे हैं। आज आपका वो लगाया हुआ छोटा सा वृक्ष आज बहुत बड़ा वृक्ष बन चुका है, जिसके छाओं के नीचे सब आनंदित हो रहे हैं। बिल्कुल आचार्य जी, मैं चाहूंगी आप हमारे अगले कॉलर को भी एक गाइडेंस दें, आनंदित करें। स्वागत है, एकदम स्वागत। हेलो, हाँ जी, हेलो, नमस्ते। नमस्ते, आपका लव विद एस्ट्रोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत है, मैं आपका नाम जान सकती हूँ? जी, मेरा नाम जी मौसमी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आचार्य जी से बात करें। हेलो, नमस्कार, कैसी हैं आप? हाँ जी, मैं बहुत अच्छी हूँ, और जी मैं आपको बहुत बड़ा बड़ा थैंक्स करती हूँ जी, क्योंकि आपकी दया से मेरा बहुत सारी जो प्रॉब्लम थी वो बहुत सॉल्व हो चुकी है जी। और पता नहीं आप तो सिंधी का ही अवतार है मेरे लिए, तो और आपने जो भी पूजा कराई और जो भी उपाय किए वो उन्होंने जैसे जैसे किए उससे बहुत ज्यादा आपका भी बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। आपकी भक्ति, आपका आधार और आपका धर्म ही आपको बल देता है और उसे ही काम होता है, ईश्वर सब करता है, बस आपकी सही भक्ति, सही संसाधन, सही कनेक्शन की आवश्यकता होती है, जो आपके पास है इसलिए आपका काम हो रहा है। जी
नहीं जी गुरु जी, सबसे बड़ी आप है, मैं आपको बात, आप तो मुझे कभी चेहरे नहीं लगता, किसी दिन ऐसा होता है जिस कुछ भी होता है गुरु जी है, सपने में देखी है गुरु जी है, कुछ साधु नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए, थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों अगर आप भी जल्दी से जल्दी ऐसा ही थैंक यू कॉल करना चाहते हैं और आचार्य जी को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन ले आए हैं, तो बस उसके लिए पहला कदम तो उठाना ही पड़ेगा, फ़ोन करना पड़ेगा इन नंबर्स पे जो आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, ताकि आपकी भी समस्या को गुरु जी आचार्य जी तुरंत सॉल्व कर दें। आचार्य जी क्योंकि उनके तरफ से नेटवर्क प्रॉब्लम थी, तो मैं ये जानना चाहती हूँ उनसे, इसलिए मैंने नहीं पूछा कि क्या एग्जैक्ट समस्या थी उनकी लाइफ में। दरअसल देखो समस्याओं का कोई स्वरूप नहीं होता, मतलब बहुत प्राथमिकता पे हम बात करें, समस्या सिर्फ एक समस्या ही है जी, उसका रूप कोई भी हो सकता है, कुछ भी, वो कोई शिक्षा से परेशान है, कोई पारिवारिक स्तर से परेशान है, किसी का मकान नहीं बन रहा है, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है, किसी की लव लाइफ नहीं ठीक है, किसी की मैरिज लाइफ ठीक नहीं है, तो ओवरऑल भाई हम ऑल जब कहते हैं ना, तो एक तो ए से ए डबल एल, फिर हम ऑल करते हैं, हाँ। तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक कंप्लीट जी। तो ज्योतिष आपको हर एक जगह एक तो सहायक सिद्ध होता है, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आपको वास्तविकता में जिस प्रकार की हम ज्योतिष की बात समझा करते थे, जैसे हम वैद्य कैसा चाहते हैं कि वो मेरी नाड़ी पकड़े और उस मेरे बारे में सब बता दे, क्या समस्या है, क्या रोग है, क्या तकलीफ है, हम डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर मुझे पूछे नहीं बताए, आजकल के डॉक्टर पूछते हैं क्या तकलीफ है, खाना खाते हैं नहीं खाते, ये नहीं दवाई लिखी जाओ। होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, एलोपैथी, जितनी भी प्रकार की पैथियां हैं उनमें एक पैथी की सबसे बड़ी रिक्तता है, कौन सी, सिंपैथी, जो नहीं है, जिसकी सबसे ज्यादा नीड है। ज्योतिष सिंपैथी से शुरू होती है, जहाँ जिस चीज की रिक्तता है ज्योतिष का शुरुआत सिंपैथी से होता है, वो सबसे पहले सिंपैथी देता है, जी बहुत बढ़िया आप निश्चिंत हो जाइए, ये ग्रह नक्षत्र है, यहाँ ऐसा करने के बाद सब ठीक होने वाला है, तो सिंपैथी आपको प्राथमिकता पर मिलती है। उसके बाद फिर उस होप के साथ सही क्रिया करने के पश्चात आपको उसका बेनिफिट मिलता है, बेनिफिट मिलता है। इनके लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें थी, अच्छा। इनके परिवार में, इनके माँ बाप को, इनका मकान नहीं था, इनके आगे कार्य नहीं हो पा रहे थे, चारों तरफ से सब कुछ बंद था, पैसों का कोई आवक नहीं था, कोई बिजनेस अच्छा, नहीं अच्छा, कोई काम धाम नहीं, इन सो मैनी टाइप ऑफ, बहुत सारी चीज, बहुत यंग एज की है, हाँ, इनके मदर फादर भी अटैच है, इनका पूरा का पूरा फैमिली मेरे पास आता है अभी। आचार्य जी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे कॉल पे कांटेक्ट नहीं कर पाते, तो उन्होंने अपना मेल भेजा है और आप जैसे सबको मार्गदर्शन देते हैं, प्लीज इनको भी अपनी गाइडेंस दीजिए, स्वागत है। वो लिखते हैं, नमस्ते आचार्य जी, मेरा नाम निशा शर्मा है, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 15/8/1992, प्लेस ऑफ बर्थ देहरादून एंड टाइम ऑफ बर्थ 5:05 AM, यानी 5:05 सुबह के। मैं जिससे प्यार करती हूँ मेरी शादी भी उसी से होने वाली है, पर हमारी आपस में लड़ाई बहुत होती है, तो डर लगा रहता है कि शादी के बाद भी ऐसा ही ना कुछ हो जाए। एक तो अनुजा इसमें रिक्वायर्ड है कि हम दोनों की कुंडली पर मैच करें, दोनों की कुंडली पर बात करें, तो हमें इनको एक बार ये बोलना होगा कि हम दोनों के हमें एक बार फिर से मिल करें, दोनों की हमारे पास आएगा तो हम बहुत अच्छे तरीके से इसका बात को गाइड कर पाएंगे, लेकिन फिर भी चूंकि हमारे पास आया है तो ये हमारा दायित्व तो बनता है कि हम कुछ में कुछ आपको जरूर बताएं। तो उस आधार पर अगर मैं बात करता हूं, तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि आपकी कुंडली कहती है कि जिनसे भी आप प्यार करेंगे और उन्हीं से आपकी शादी होती है, तो आपके अपने दाम्पत्य जीवन में दिक्कत आएगी और आपके अपने मैरिज होने में भी अव्यवस्था नजर आती है। इसका अमृत कलश योग खराब है, उसे थोड़ा सा ठीक कराएं, किसी बुद्धिजीवी, किसी जानकार, किसी विज्ञ आचार्य के साथ इसका पूजन करा के बेटा विवाह कीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये सप्रेम व्यवस्था आगे जा करके कटुता में परिणित हो जाए, है ना, तो इसका पहले से निदान किया जा सकता है, ये संभावित है, ये बहुत बड़ी ऐसी चीज नहीं है कि जिसे ठीक ही नहीं किया जा सकता। अगर आप उनसे ही विवाह करना चाहते हैं, प्रेम विवाह करना आपको लगता है कि उसके बगैर नहीं रह सकते, वही विवाह मेरे लिए आवश्यक है, तो कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि सेवंथ हाउस का मालिक शुक्र के साथ संसर्ग बना रहा है दृष्टि के आधार पर, तो ऐसी कंडीशन पे एक हमारे पास ऑप्शन है कि हम इस तरह से जाकर के करें तो हम ठीक निकल सकते हैं। तो अगर आप इनसे विवाह करना चाहते हैं तो भाई अमृत कलश योग का समाधान करके ही इस
कार्य को करें, आपका जीवन 100% अच्छा होगा और आपका वैवाहिक जीवन भी ठीक होगा। आचार्य जी, हम आपसे इजाजत लेंगे कि आप हमारे अगले कॉलर से बात करें। बिल्कुल स्वागत है। हेलो, हेलो, आपका लव विद एस्ट्रोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम? नाम रोहित है। रोहित, रोहित जी कहाँ से बोल रहे हैं? कानपुर से। कानपुर से बात करें आचार्य जी से। हाँ जी रोहित जी, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ सर। बताइए, सवाल कीजिए अपना। सर सवाल एक्चुअली ये है कि अभी जो है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है जी, और पहले तो सब कुछ वैसे नॉर्मल था, बट बाद में ऐसा हो गया कि पहले 3 महीने में लगभग मिल लेते थे, और फिर उसके बाद वो भी होना बंद हो गया। मुझे लगता है इसकी वजह से हमारे बीच में लड़ाइयाँ जो है थोड़ी ज्यादा बढ़ गई। अपना अपना डेट ऑफ बर्थ बता दें। 3/12/92। टाइम बता दीजिए। सर नाइट में 3:45। कहाँ जन्म हुआ? कानपुर में। आपका जो नाम का अक्षर है वो आपकी मम्मी पापा से या आपकी गर्लफ्रेंड के नाम का अक्षर आपकी मम्मी पापा से मैच करता है क्या किसी से? हाँ, ये जो आर वर्ड है वो सेम ही है माता जी को और उसका। हाँ, असल में दो बहुत खास बात है। मैं बहुत बार ऐसा बोल चुका हूँ कि एक्चुअली पिता का पुत्र से, माता का पुत्री से, या ऐसे संसर्गों में वो जो प्रथम अक्षर है उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और वैसे भी तुम्हारी कुंडली में शुक्र की पोजीशन बहुत डाउन है, ऐसी कंडीशन में जब भी हम किसी बेसिक वास्तविक रिलेशन में होते हैं, क्योंकि आपकी तरफ से सच्चाई बहुत ज़्यादा है, आपकी तरफ से सच्चाई में कोई कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में या तो हमारा जो लॉन्ग डिस्टेंस है उसकी वजह से दिक्कत आ रही है, क्योंकि शुक्र और राहु जब भी संसर्ग बनाते हैं ऐसे में कहीं ना कहीं भ्रम उत्पन्न होता है, मतभेद उत्पन्न होते हैं, और जो चीज नहीं है उस कारण से रिलेशन खराब होते हैं। तो इसके लिए सबसे प्राथमिकता में आपको कुछ उपचार, कुछ उपाय करने की बहुत प्रारंभिक स्टेज में आवश्यक है। एक तो प्रेम कवच धारण करें अपने गले में, और थंब रिंग धारण करें, और फिटकरी से स्नान करें, यानी स्नान के पानी में फिटकरी डालें, भगवान शिव को पंचामृत चढ़ाना शुरू कर दीजिए, गाय को काले तिल के लड्डू दीजिए शनिवार के शनिवार। ऐसा करते ही आपको बहुत जल्दी, बहुत शीघ्रता से अपनी अनुकूलता दिखाई पड़ने लगेगी, और जैसा आप चाहते हैं, जो भी आपका अपनी अपेक्षा है वो सिद्ध हो जाएगी। धन्यवाद आप। दोस्तों, अगर आपके भी मन में कोई सवाल है अपनी लव लाइफ को लेकर और आप बहुत परेशान हो रहे हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अब परेशान होने का समय होता है ख़त्म, क्योंकि अब आपके पास है आचार्य जी से मिलने का, उनसे बात करने का, उनसे जुड़ने का मौका।